पाकिस्तान की एक और बड़ी आतंकी साजिश कैसे नाकाम हुई, नगरोटा आतंकी अटैक पर क्या है नया बड़ा खुलासा, राफेल से डरा पाकिस्तान चीन के साथ क्या डिफेंस डील को कर रहा है, आप देखिए न्यूज टॉप 9 पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में सीज फायर तोड़कर फायरिंग की गई। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर चौकियों को निशाना बना रहा है। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की इस फायरिंग का भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सांबा के चक फकीरा में ये घुसपैठिया भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जैश के 4 आतंकियों को पाकिस्तान के शकरगढ़ तहसील के बूरा विलेज से लॉन्च किया गया था। फिर इन फिदायीन आतंकियों को चकबूरा पोस्ट लाया गया, जहां से आतंकियों ने टनल के जरिए घुसपैठ की थी। जैश के 4 फिदायीन आतंकियों को शकरगढ़ के बूरा गाँव से लॉन्च किया गया था। आतंक पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान के राजनयिकों को नगरोटो आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी दी। विदेश सचिव ने नगरोटा हमले की साजिश से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विदेशी राजनयिकों को दी। नगरोटा में आतंकियों से मिले सबूतों की जानकारी भी विदेशी राजनयिकों को दी गई। नगरोटा ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में आतंकियों को प्रोटेक्ट करने में जुटी है। अब जैश के ठिकानों पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात की गई हैं। भारत के राफेल दस्ते से डरा पाकिस्तान अब चीन की शरण में गया है। पाकिस्तान ने चीन से 5 JF-20 फाइटर जेट्स खरीदने की पहल की है। पहले पाकिस्तान और चीन के बीच JF-20 फाइटर जेट्स की कीमत को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान हर कीमत पर JF-20 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। पाकिस्तान चीन के इंजीनियरों की मदद से अपने एयरफोर्स के बेड़े में मौजूद JF-17 फाइटर जेट्स को सुधार रहा है। इन फाइटर जेट्स को तुर्की से खरीदे गए मिसाइल लगाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 40 JF-17 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए अब तुर्की से हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान की नौसेना ने तुर्की से एंटी टॉरपीडो मिसाइल खरीदने का करार किया है। पाकिस्तान इस मिसाइल का इस्तेमाल अगस्टा 90B क्लास सबमरीन में करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।